वेलकम टू माई चैनल। जो भी लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी न्यू अपलोड्स हों तुरंत आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलें। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसके और बेनिफिट्स क्या हैं और कितने टाइप की टीज होती हैं मार्केट में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ बेनिफिट्स मैंने मेंशन किए हैं यहाँ पे आपके लिए ताकि आपको और थोड़ी नॉलेज इससे रिलेटेड मिले। तो जो ब्लैक टी होती है उसमें DHT हार्मोन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हेयर लॉस के लिए। तो इससे आपके हेयर शेडिंग नहीं होगा और हेयर लॉस भी रुक जाएगा विद पैसेज ऑफ टाइम जिसे आप रेगुलर यूज़ करेंगे। और ये शाइन और स्मूथनेस, सिल्कीपन, सॉफ्टपन लाएगा आपके हेयर्स में। आपके हेयर्स को डार्क भी करेगा, जो नेचुरल हाइलाइटनिंग एजेंट होता है इसके अंदर में, टी के अंदर में। आप देखेंगे टी जब आप पीते हैं तो कप में निशान रह जाते हैं टी के, तो वो नेचुरल एस्टिंजेंट है जो कि कलर का काम भी करेगा आपके हेयर्स पे। और ये आपके हेयर्स की ग्रोथ को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा बिकॉज इसमें कैफीन होता है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयर ग्रोथ। एंड इसमें जो नेचुरल एस्टिंजेंट जो मैंने बताया अभी आपको, वो उसमें मैक्सिमम टीज़ में होता है जो कि आपके एक्सेस ऑयल को, जो आपके स्कैल्प में है एक्सेस ऑयल, उसके हटा देता है और लेस डैंड्रफ का रिजल्ट होता है उसमें। आपको डैंड्रफ बहुत कम होगा। और जो टी होती है वो ब्राइट करती है आपके हेयर कलर को, जो भी आपका हेयर कलर होगा उसको इन्हेंस्ड करके वो डिपिक्ट करेगी और उसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत इमेज मिलेगी आपके हेयर्स को। और इसमें जो स्प्लिट एंड्स होते हैं वो ब्रेकेज जो हेयर्स की एंड्स की होती है वो भी रुक जाएगी विद पैसेज ऑफ टाइम। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। और ऐसे ही बहुत तरीके की टीज़ है मार्केट में, जैसे कि मैं आपको अब दिखा रही हूँ टाइप्स ऑफ टीज़ है मार्केट में, जो कि ब्लैक टी है जिसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ कैफीन होता है और ये आइडियल होती है ड्रिंकिंग के लिए और ये बहुत जल्दी से डाइल्यूट भी हो जाती है। ग्रीन टी होती है जिसमें लो कैफीन होता है और उसका जो स्मूथ, वो स्कैल्प को स्मूथ करती है और आपके बालों को रुकने से भी रोकती है। आपको पता है ग्रीन टी के बहुत फ़ायदे हैं वेट लॉस वगैरह के लिए भी। ऐसे कैमोमाइल टी है, ये आपके हेयर्स को नेचुरल हाइलाइटनिंग देती है। यहाँ पर जितनी भी टीज़ हैं उनके डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं। मैक्सिमम हम ब्लैक टी यूज़ करते हैं, ब्रिटिशर्स और इंडियंस ब्लैक टी ही यूज़ करते हैं। चाइना में आपको वाइट टी ज़्यादा यूज़फुल मिलेगी पीने के लिए, जो कि वो लोग यूज़ करते हैं। सेज टी है जो कि रिड्यूस करती है आपके स्कैल्प में जो ऑयल जनरेट होता है, बार बार आपके स्कैल्प में आकर डैंड्रफ का रूप ले लेता है, उसको रिड्यूस करती है सेज टी। नेटल टी होती है वो प्रिवेंट करती है डैंड्रफ को और सर्कुलेशन आपके स्कैल्प का बढ़ाती है, जिससे आपके हेयर ग्रोथ में बहुत इंक्रीज होता है आपके हेयर ग्रोथ। रोजमेरी टी है जो कि अगर आप रोजमेरी ऑयल के साथ आप उसे यूज़ करेंगे, मतलब रोजमेरी टी भी पी रहे हैं और रोजमेरी ऑयल भी आप लगा रहे हैं, तो वो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगी, आपके स्कैल्प की इचीनेस और रफनेस को दूर करेगी, प्लस डैंड्रफ को भी दूर करेगा। तो इस तरीके की बहुत सारी टी है मार्केट में। अब हम देखते हैं हमारे पास कितने टाइप के टी हैं एक्चुअली में, ब्लैक टी वर्सेस ग्रीन टी वर्सेस वाइट टी। सो ये ग्रीन टी जो है ये स्लाइटली मोर प्रोसेस्ड होती है देन वाइट टी और ब्लैक टी से। एंड जो वाइट टी होती है उसमें मोस्टली मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि चाइना के लोग यूज़ करते हैं। ब्लैक टी होती है उसमें लीस्ट एंटीऑक्सीडेंट होते हैं बिकॉज वो बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग से गुजरी होती है। और ब्लैक टी होती है वो मोस्ट पॉपुलर है ब्रिटिशर्स और इंडियंस में जो कि हम लोग पीते हैं, जैसे मैंने बताया। वाइट टी चाइनीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, बट जो ब्लैक टी है उसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ कैफीन कंटेंट पाया जाता है जो कि ग्रीन टी और वाइट टी में नहीं है बिल्कुल भी। तो इस तरीके से बहुत सारे आई वुड से यूजेस हैं टी स्प्रे के जो कि मैंने आपको बताए हैं। सो इस तरीके की आप टी बनाइए और उसको स्प्रे की तरह आप यूज़ कीजिए। आई एम श्योर ये आपके हेयर्स को विद पैसेज ऑफ टाइम बहुत बेनिफिट देगी, कलर के सेंस में, स्मूथनेस के सेंस में, सिल्की के लिए, फिजीनेस को हटाएगी, स्कैल्प इचीनेस को हटाएगी, डैंड्रफ को हटाएगी। ये बहुत कम यूज़ किया करते थे लोग, अभी फिर से आयुर्वेदिक चीज़ों का प्रचलन चला आ रहा है एंड एवरीबडी इज़ यूजिंग एंड गोइंग टूवर्ड्स हर्बल थिंग्स नाउ। So stay tuned for my new videos. Take care and bye bye beautiful people.